चलो आज स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग में। मॉडलिंग में क्या होता है, इमेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप कोई इमेज देख रहे हो उसके रेफरेंस को ऑब्जर्व करो तो पहले इनको समझो। जैसे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फेस का एक रूल होता है कि भाई आप देखते हो कोई चीज़ बनाते हो तो कैसे क्या काम करना है। जो स्केचिंग आर्टिस्ट होते हैं या जो भी आपका 2D आर्टिस्ट होते हैं, जो चीज़ों को ड्रॉ करते हैं वो उस टाइप की चीज़ों को लेकर ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा वन बाय वन करके समझाता हूँ। जैसे देखो, ये इमेज है, इस इमेज में ये वाइट सी लाइनें दे रखी है। इट मीन्स वॉन्ट कि जो आपका जो शॉट है वो आगे से पतला है और ये पीछे से उठा हुआ है, ये अप वाला पार्ट है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर वाइट सी लाइन दिखाई तो इसका मतलब यहाँ पर शार्पनेस के साथ है। यहाँ पर अगर वाइट सी लाइन दिखाई, यहाँ पे इधर डार्क है, इधर लाइट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइट का एंगल बताते हैं कि लाइट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करो ताकि वो दिखे। तो अगर हम लोग यहाँ पर लाइट और कुछ दे नहीं सकते, उनको सिर्फ ये कंडीशन दिया जाता है आपको ब्लैक और व्हाइट के साथ प्ले करना है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ प्ले करने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर व्हाइट डाल तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से लाइट आ रही है, मतलब ये पार्ट अप है, ये पार्ट डाउन है, ठीक है। इन चीज़ को ऐसे समझना, जैसे इधर को ये यहाँ पर आपका सेप है तो ये पार्ट आपका अप है। अगर जैसे इसी इमेज को अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही है। देखो थोड़ा सा ऐसे समझना, बहुत सिंपल सा पार्ट है। अभी जैसे मैं इसको जैसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका रखा यहाँ पे, ठीक है, क्या किया, पॉली क्यूब लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और फॉर स्केल छोटा कर दिया यहाँ पे W, ठीक है, छोटा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। अभी ये जो रिंग एंड स्प्लिट किया, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है ये समझना है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को मुझे पीछे करना है। अभी ये तलवार जो बनाते हैं, तलवार बनाने के भी तरीके क्या है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी दोनों। अभी इन दोनों को मैं यहाँ पर आर फॉर स्केल कर दूँगा यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट वाला पार्ट ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप लोग ये समझो, ठीक है, ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस को एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि उन्होंने ऐसा बनाया है तो हमें मॉडल को ऐसा देना है, तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, तलवार बनाते हो तो तलवार बनाने में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो कॉर्नर का पार्ट है ये तो ऑसो शार्प रहना चाहिए। अभी ऐसे में नहीं काम चलेगा, ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर पॉइंटेड करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा होगा तो भी ऑड लगेगा, तो इसे थोड़ा सा मैनेज बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम से वो कर दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। टॉप पर गए, फोकस कर दिया यहाँ पर, वर्टेक्स पर गए, ठीक है, ये पार्ट हल्का सा ये मैनेज कर दिया, ठीक है, तो वह चीज़ों का हल्का सा ये शार्पनेस दे सकते, ये आपको ध्यान देना है कि आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो कॉर्नर से शार्प होना चाहिए, तभी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अभी ये चीज़ आपकी इमेज में नहीं बताने आएगा, ऐसे ब्लैक एंड वाइट इमेज में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया है तो मैं ऐसे कैसे बनाऊँ। फोर ब्रश कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे करके मैं यहाँ से यहाँ पे खींच दूँगा, ठीक है, नीचे से पतला है, नीचे से मैंने पतला कर दिया, तो ऐसे भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पतले होने के साथ यहाँ पे क्या है, एजिस में गए, ये आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने मतलब सिर्फ राइट क्लिक, देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए आपके यहाँ पे, इंसर्ट एज लुक टू, ये बार आपके यहाँ पे होगा, इसके बाद से पतला करना है, ठीक है, आप ऐसे भी करके पतला कर देगा। देखो यहाँ पे अभी ये हमने वन साइडेड तो कर दिया, लेकिन क्या उसने पीछे का बताया, इधर का तो नहीं बताया, तो ये पार्ट हमें यहाँ से भी करना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते, लाइक कन्फ्यूजन रहता है, भाई वन साइडेड है, नहीं समझ में आता, उन्होंने इमेज तो छाप दिया, एक तरफ से छाप दिया, दूसरे तरफ से नहीं गया, तो ये पार्ट आपके आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आप ऐसा बना तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा कुछ होना चाहिए, आप इसे लाइक ऐसे यूनिवर्सल स्किल कर सकते हो। यूनिवर्सल स्किल का मतलब क्या है, बीच में येलो जो पॉइंट है उसको आप स्किल करोगे तो डेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल स्किल, ठीक है, ये आप स्किल करते हो आगे से पॉइंटेड हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो देखो अभी ये लुक एंड फील दे देगा, ऐसा कुछ करके आप मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिक सा फंड आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, जो रेफरेंस के अंदर, जो रेफरेंस को थोड़ा सा समझना पड़ता है क्या।